नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नागिन 6 30 जनवरी से कमबैक करने जा रहा है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही चल गया होगा कि नागिन 6 के अंदर एक बार फिर से रूबीना दिलेक का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि एक नागिन और आ रही हैं, वो ही है रूबीना दिलेक। अक्सर नागिन का कोई ना कोई एक्टर रहती हैं, लेकिन अदा खान को भी देखा गया था। अदा खान ने भी काफ़ी अच्छी तरीका से भूमिका निभाई थी, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से एकता कपूर ने रूबीना दिलेक पर अपना विश्वास जाहिर किया है। उन्होंने बताया है कि वो भी एक बार फिर नागिन 6 में नज़र आने वाली हैं रूबीना दिलेक, क्योंकि रूबीना दिलेक एक ऐसी एक्टर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और जल्दी ही अपने न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट में फिर नज़र आने वाली हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रूबीना दिलेक ने हाल ही में ही एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि वो जल्दी ही अपने न्यू एक ऐसे प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी जिसका ऑडियंस को भी बेसब्री से इंतज़ार है, और आने वाला प्रोजेक्ट जो है वो रूबीना दिलेक के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि रूबीना के साथ साथ में अदा खान भी एक ऐसी एक्टर रही हैं जो कि नागिन का हिस्सा रह चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर पहले मिल रही थी कि अदा खान के नाम का भी एक बार फिर जिक्र हुआ था कि अदा खान को भी नागिन 6 में लिया जाए, लेकिन अदा खान को किस कारणों की वजह से नहीं लिया गया ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन रूबीना दिलेक का नाम अभी भी सामने आ रहा है नागिन 6 के लिए। हालांकि प्रमो की बात की जाए तो प्रमो में काफ़ी क्लियर हो चुका है कि रूबीना दिलेक आज नहीं तो बाद में, लेकिन कमबैक ज़रूर करेंगी, क्योंकि एकता कपूर ने इतना कंफर्म करा दिया था कि रूबीना दिलेक का नाम शामिल है। क्योंकि कुछ समय पहले जैस्मिन वसीम को जिस तरीका से नागिन 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वैसे ही यहाँ पर किसी एक्टर्स को बाहर का रास्ता एकता कपूर ज़रूर दिखाएंगी और उसके बाद में रूबीना दिलेक का नाम सामने ही आ जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आने वाला प्रोजेक्ट काफ़ी खास है इंटरटेनमेंट के लिए। दोस्तों आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ।